साथियों, मुझे पता है कि तेलंगाना की ग्रामीण पंचायतें, यहां के सरपंच, यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। यहां की ग्राम पंचायतें ज्यादातर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है। केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। इसलिए तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। साथियों, बीजेपी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। पैडी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले 9 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। मनरेगा के तहत तेलंगाना के गांवों में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए भी तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर बनाए गए हैं, उनमें से भी हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। साथियों, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को सशक्त करें, उनके खर्च कम करें, उनकी आय बढ़ाएं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था, हमने वो गारंटी को पूरा करके दिखाया। हमने दाल की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की। हमने सिंचाई के नेटवर्क को सशक्त करने का वादा किया था, वो गारंटी भी हमने पूरी की। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ी भंडारण योजना पर पूरा काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बनने वाले हैं, उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। इन सभी प्रयासों का लाभ यहां के किसानों को होगा, हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा।